कांदिवली पूर्व हनुमान नगर के पाल राजेंद्रा विद्यालय के परिसर में रोजगार मेला का आयोजन कांदिवली विकास फाउंडेशन की तरफ से किया गया, जिसमें कई कंपनियों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा तकरीबन 1000 से ज्यादा शिक्षित लड़के लड़कियों का विवरण हासिल किया और उन्हें यथाशीघ्र रोजगार मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया। ये रोजगार के संदर्भ में तो हम लोग ने हमारी टीम के मेंबर्स ने एक फैसला लिया कि ठीक है, एक शुरुआत का एक प्रोग्राम लेते हैं हनुमानगढ़ पहली बार, तो वो हिसाब से हमने शुरू किया। अभी तो मेरे हिसाब से हमारे पास जो डाटा आया है कल तक का, कल रजिस्ट्रेशन जो हमारे पास था नोंदनी, इसके लिए 570 जन का ऑन पेपर नोंदनी हुआ था और आज वो हिसाब से 1000 के ऊपर जाना चाहिए नोंदनी। और जॉब का जो है हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप और कंपनी जो हमारे उम्मीदवार हैं, मतलब जो युवा है उनका और कंपनीज के बीच में तालमेल बैठे, तो हिसाब से हम लोग इस चीज का हमने आयोजन किया है। हनुमान नगर में पहली बार हुए इस रोजगार मेले से लोगों में काफी खुशी देखी गई। आए हुए लोगों ने फाउंडेशन एवं आयोजक किरण सालुंके की इस संकल्पना की बेहद तारीफ की। अपने साथ लोग जुट के भी रहेंगे, अपने ऊपर लोगों का भरोसा भी है, लोगों को लगता है अच्छा काम है और हम लोग भी हमेशा अच्छा काम करते हैं और ऐसा काम करते ही आते हैं हम लोग आज तक। सब बाजी में बहुत से ऐसे काम किए बारे में हमने काम किया है, महिलाओं के लिए भी, जेंट्स के लिए भी। सबसे प्रथम तो मैं कांदिवली विकास में ये जो कांदिवली संस्था की तरफ से को सभी कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों ने भी ये काम किया है उसको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, जिन्होंने देश की सबसे बड़ी समस्या जो बेरोजगारी समस्या है उसको हल करने के लिए प्रयास किया है। कितना परसेंट होता है जो भी होता है उसके लिए मैं सर्वप्रथम सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामना देता हूँ। हनुमान नगर मध्ये पहिल्यांदाच एवढा चांगला उपक्रम राबवला जातोय, मला वाटतं हनुमान नगर मध्ये पहिल्यांदाच हा होतोय, तो दिस इज गुड थिंग फॉर द यंगस्टर्स। आणि आतापर्यंत मला वाटतं 700-800 लोकांनी इथे पार्टिसिपेट केलेलं आहे आणि तर सगळ्या सेक्टरचे, म्हणजे बँकिंग सेक्टरचे आहेत, देन हॉस्पिटॅलिटी आहे, नंतर नर्सेसचे वगैरे कोर्सेस उपलब्ध आहेत आणि खूप चांगला उपक्रम केलेला आहे। आणि हा उपक्रम ज्यांनी केला, मिस्टर किरण सावंगे त्यांचे स्पेशल थँक्स टू हिम, बिकॉज दिस इज हॅपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ हिम। ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलंय आणि आताच माझ्या आईने मला सांगितलं की कांदिवली विकास फाउंडेशन कडून इथे एक उपक्रम राबवला जातोय आणि त्यातून नोकरी सगळ्यांना मिळणार आहे म्हणजे, तर मी पण आता फॉर्म भरला आहे, मग आता बघू मला भेटेल आणि थँक्यू सो मच। बट काही तरी जॉब नाही मिला अभी रिसेंटली, एक महिने से मी दुसऱ्या जगह पे बँक ऑफिस पे लगी हूँ, बट मुझे बँक फील्ड में जॉब चाहिए। और बहुत से लोगों ने ऐसे मतलब जॉब के नाम से पैसे लूटे हम लोगों से, वैसे तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो लोग फ्री में जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे लिए खुशी की बात है। आज यहाँ पे कार्यक्रम जो रखा हुआ है कांदिवली विकास फाउंडेशन के नाम से, और हमारे आयोजक किरण सावंगे जी ने एक हनुमान नगर के बच्चों को एक अच्छी दिशा में, जो कि जॉब के लिए लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, तो अलग अलग जाने के बाद उनको कंपनीज में उनके सीवी बायोडाटा लेके रखते और रखने के बाद फिर उनको कॉल किया जाता है, तो उनके अपॉर्चुनिटी के हिसाब से उनको जॉब मिलता नहीं है। तो आज पहली बार हनुमान नगर में एक अच्छी बात हुई है कि कांदिवली विकास फाउंडेशन और हमारे आयोजक किरण सावंगे जी ने यहाँ पे जो हनुमान नगर के बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छे ढंग से जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे की गया है। ये हमारे कांदिवली ईस्ट में ये पहली बार इस तरह का ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि लोग, आज की जो तरुण पीढ़ी है वो नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाती है, हम लोगों ने उनको नौकरी यहाँ पे उनके घर के यहाँ पे उनको ये नौकरी का अवसर उपलब्ध करके दिया है। और मुझे लगता है कि हम लोगों का एक इरादा है कि यहाँ के स्लम के जो बच्चे हैं, जो ज़्यादातर नौकरी के उनको इतनी आइडिया नहीं रहती कि कहाँ जाना है कहाँ, उस वजह से उनको जो असुविधा होती है वो असुविधा दूर करने के लिए ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था, हम लोगों ने मतलब किरण सावंके जी ने जो आयोजित किया है, और ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्यक्रम है। उसके लिए हम उनको सब हमारे नेतृत्व की ओर से और हमारे सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनको हम लोग अभिनंदन करते हैं उनका। इस वार्ड में जो हुआ है मेरे ओसो आवास में, आज 26 बरस के अंतर्गत कोई भी पार्टी हो, पार्टी से लेना देना नहीं है, ये जो फाउंडेशन ने जो काम किया
इस तरह का 26 वर्ष के अंदर ऐसा कार्यक्रम पहली बार हुआ है। इसके लिए मैं फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं कहता हूं कि इसी तरह से फाउंडेशन के लोग अगर हर 6 महीना में अगर करें तो गरीब लोगों का बहुत जल्दी विकास होगा और हमारे देश की इतनी जल्दी उन्नत होगी। अगर इस तरह से फाउंडेशन के लोग अगर सोच लें कि नहीं हमको देश की बेरोजगारी को दूर करना है और हमको चढ़ बढ़ करके इस तरह से काम करना है तो इसमें कोई संभव नहीं है कि ये जो मोदी जी जो स्किल डेवलपमेंट का काम जो देश के अंदर लाए तो विकास होने में कोई देर नहीं लगेगी। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को ऐसे फाउंडेशन के लोगों को बहुत बहुत शुभेच्छा बहुत बहुत बधाई देता हूं और हार्दिक दिल से मैं इन लोगों को बधाई देता हूं। ये लोग बधाई महाराष्ट्र हमें तो सबसे बड़ा सहयोग कांदिवली विकास फाउंडेशन का ये मिल रहा है कि वो लोग शिक्षित जो मतलब पढ़े लिखे उनको तो ये नौकरी दे ही रहे, उल्टा जो मतलब कम पढ़े लिखे हैं लेकिन जिनका स्किल डेवलप्ड है जो किसी चीज़ में अच्छे हैं जिनको अच्छा परफॉर्मेंस आता है उनको उनके भी उन्नति के लिए। कांदिवली विकास फाउंडेशन के सचिव किरण सालुंके ने बताया कि एम फॉक्स के निर्देशन में तकरीबन 50 कंपनियों ने अपने प्रतिनिधि मंडल की टीम को यहां पर बैठाया था। कांदिवली विकास फाउंडेशन कांदिवली में ये अभी हमारा ये 6ठा प्रोग्राम है जो हनुमानगर के क्षेत्र में ये पहले बार हुआ है। इससे पहले भी कांदिवली विकास फाउंडेशन और प्रवर्तक अकादमी की तरफ से ऐसे बहुत से कार्यक्रम हुए परंतु हमारे वार्ड अध्यक्ष श्री भाजपा के संजय मिश्रा जी, सुलोचना ताई पावर जी, प्रकाश पावर जी, राहुल पड़ेलकर जी, विनोद सिंघे जी, इन्होंने सुझाव दिया कि हमें एक हनुमानगर क्षेत्र में ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए। अब देखना यह है कि मनपा के चुनावी माहौल में किरण सालुंके की इस आयोजन पर वार्ड नंबर 28 की जनता और मुंबई भाजपा की टीम कितनी तवज्जो देती है। कैमरामैन राजन सिंह के साथ ब्रजेश शर्मा, मेट्रो मुंबई।